नमस्कार, मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान। इसमें पूरे देश में क्या चल रहा है, आप उस पर बड़े गहराई से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में बाबा और बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे कि गुलिस्तान पे काबा, आज गुलिस्तान पे नेहा सिंह राठौर बा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और गुलिस्तान देख रहे सारे दर्शकों का भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। अहमद फराज का एक शेर है कि वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, लेकिन नेहा जी जब बोलती हैं तो फूल के साथ कांटे भी झड़ते हैं, ये चुभते हैं कांटे सरकार को, आखिर क्यों? नहीं, फूल है तो कांटा भी होता ही, और बात कांटे जैसे चुभने की नहीं, जब आप गलत करोगे तो ना आपको चुभेगा, जब आप सही काम करोगे तो कोई कांटा चुभाए चाहे भाला चुभाए आपको नहीं चुभेगा। सांच को आज क्या, पर आपको चुभ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया हुआ है तो आपको चुभ रहा है। आप भी देख रहे हैं कितनी बर्बरता के साथ, कितनी असंवेदनशीलता दिखाई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्या? ये वही डर है जो सरकार नेहा के आंखों में देखना चाहती है? नहीं, वो तो बहुत कुछ देखना चाहती है, पर वो मुझे डरा क्या पाएगी। लेकिन हाँ, एक बात तो होती है, पहली बार जब आपके घर पुलिस और ये सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है। डर इसलिए भी कि मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है भाई, मुझे इस तरह से क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। पहली नज़र में मैं बिल्कुल सही बात है, मैं घबरा गई। मैं हिमांशु को भी बोल रही थी कि हिमांशु बिना वीडियो कॉल पे बात किए इनसे मिलने मत जाना, ये कौन लोग हैं, पता चला पुलिस की वर्दी में चोर हूँ। राजस्थान में एक कन्हैया का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, वहाँ आपकी कलम नहीं चलती है। पंजाब में एक सिंगर को गोलियों से भून दिया जाता है, वहाँ नेहा का कलम नहीं चलता है। अभी हाल ही में हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों को एक बुलोरो में जला दिया गया, वहाँ नेहा खामोश रहती हैं। गुजरात में एक पुल गिर जाता है, वहाँ नेहा खामोश रहती हैं। लेकिन यूपी में कुछ भी होता है तो नेहा की कलम दौड़ने लगती है, चलने लगती है तलवार। बात ये हो जाती है ना कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मेरी भाषा भोजपुरी है, मैं भोजपुरी में लिखती हूँ, बिहार के लोगों को भोजपुरी आती है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भोजपुरी आती है, तो भोजपुरी गाने ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जब मैंने गुजरात में काबा गाया तो बहुत चर्चा नहीं हुई उसकी। लेकिन यही यूपी बिहार के लोग दिल्ली में भी हैं, और दिल्ली में जब एक लड़की को कार से रौंद दिया जाता है तब नेहा ना मैं कभी भी चुप नहीं रही हूँ। आप मेरे ट्वीट देख लीजिए, आप मेरे चाहे वो फेसबुक पेज पे कोई पोस्ट हो इनके समर्थन में, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता के साथ हो गया, चाहे इस बच्ची के साथ हो गया, मैंने लगातार मैं एक्टिव रही हूँ। और ये आरोप प्रत्यारोप करने वालों का बहुत एक लंबा भीड़ सा आ गया है, वो चाहते हैं कि मेरे को हतोत्साहित कर दें, पर मेरी आवाज़ सबके लिए है, उनके लिए है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, दबे कुचलों के लिए है, मजदूरों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, गरीबों के लिए है, और वो आवाज़ है, लगातार है। ये पूरा प्रकरण आखिर हुआ क्यों, हम नेहा के पास क्यों आए, वो कौन सी लाइन थी, वो कौन सा शेर था, वो कौन सा गीत था, एक बार नेहा हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तब बड़ी रंग बाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ही बुलडोजर वा पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर थुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा।